फ्रेंड्स अब हम निकले हैं होटल से अम्ब्राई रेस्टोरेंट जाने के लिए, जो हमें यहाँ पता चला है बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और शायद वो लेक पिचोला के साथ ही पड़ता है। वहाँ का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, तो देखते हैं अम्ब्राई रेस्टोरेंट में क्या खाते हैं हम, कैसा है वो रेस्टोरेंट, और आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहना। हमने ऑटो किया है अपने होटल से, जो ले रहा है 150 रुपये अम्ब्राई रेस्टोरेंट जाने के लिए। भैया कह रहे हैं बहुत गली वलियों में जाके जाना पड़ेगा। ओल्ड मार्केट के अंदर है अम्ब्राई रेस्टोरेंट, और देखते हैं। श्वेता आपने क्या खाना होगा आज, क्या आपका मेन्यू क्या है आपका आज? देखते हैं कोई राजस्थानी स्पेशल डिश, जैसे लाल मांस बहुत पॉपुलर है। लाल मांस, अच्छा जी, ट्राई करते हैं, देखते हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ फूड थोड़ा स्पाइसी होता है, तो ऑर्डर करते वक्त पहले बोलना पड़ेगा कि हमें इतना स्पाइसी नहीं खाना है, क्योंकि मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती। ज़्यादा स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाती मैं, तो जैसा जैसा खा लेता हूँ। बस फूड होना चाहिए थोड़ा सस्ता और क्वालिटी होनी चाहिए थोड़ी बेटर, ठीक है जी? सही बात। क्यों ये ऐसे ही बोल रहे हैं, सस्ता नहीं खाते? नहीं नहीं सस्ता ही खाता हूँ। देखो मैं ऑटो पे जा रहा हूँ, ये देखो यार आप, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। भैया कितने रुपए लग रहे हैं यहाँ से वहाँ जाने के, बताना। 150 रुपये लग रहे हैं, देख लो भैया ने बताया है 150 रुपये लग रहे हैं। बिल्कुल ओल्ड उदयपुर के अंदर, ओल्ड उदयपुर के अंदर है और ज़बरदस्त जगह है, भैया ने बताया है, बहुत बढ़िया जगह है। भैया हमारे को कुछ राजस्थानी में बताओ क्या बोलते हैं राजस्थान। अम्मा घड़ी का मतलब होता है रेस्टोरेंट। अच्छा रेस्टोरेंट है। वैसे अम्मा घड़ी को हेलो बोलते हैं, हेलो नहीं सर, खम्मा घड़ी। खम्मा घड़ी, अरे खम्मा घड़ी, अच्छा अच्छा, यानी राजपूतों का अंदर खम्मा घड़ी बोलते हैं। नमस्ते, अच्छा अच्छा, नमस्ते को बोलते हैं खम्मा घड़ी, बोलते हैं खम्मा घड़ी। तो रेस्टोरेंट है वो, रेस्टोरेंट भी है। तो समझ लो मैं, हम गए थे जब पंजाब, तो हमने वहाँ पंजाबी बोली थी, अब हम आए राजस्थान तो हम कोशिश करेंगे थोड़ी राजस्थानी में बात करेंगे, टूटी फूटी राजस्थानी जैसे हम बोल पाएंगे। जैसे हम खम्मा घड़ी को हमने अम्बा घड़ी बोल दिया, तो आगे देखो हम क्या क्या करते हैं, ठीक है जी? और श्वेता बहुत सीख के आई है, गूगल ट्रांसलेटर साथ लेके चल रही है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, इतना मैंने नहीं सीखा थोड़ा बहुत। और आपने क्या सीखा है? जैसे यहाँ राजस्थान में हस्बैंड को बोलते हैं बींद और वाइफ को बींदनी, तो ये यहाँ के मेरे बींद बन गए हैं। और ये बींदनी, ठीक है, थोड़ी सी गुस्से वाली, ठीक है। भाई मैं तो आपको उल्टा है, ठीक है चलो। मैं वैसे, आप बताना कमेंट्स में हम दोनों में से कौन ज़्यादा गुस्से वाला लगता है, ठीक है? मेरा तो मत ही बोलना यार प्लीज़, ठीक है? मेरा भी मत बोलना। नहीं लेकिन कमेंट नहीं हूँ तो कमेंट लेकिन आप जरूर करना, ठीक है? थोड़ी ट्रैफिक में फंस गए हैं, थोड़ा जाम लगा हुआ है सर, इसलिए तो। उदयपुर में एक खास बात जो हमें लग रही है, यहाँ हर कोई टूरिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, फॉरनर्स बहुत है यहाँ पर। फॉरनर्स आए हैं इस साल नहीं है, कम है। क्यों? जो अभी इंडिया के अंदर है ना। हाँ जी हाँ जी, वही आ रहा है। अच्छा, वैसे कब आते हैं, मतलब सबसे बेस्ट टाइम क्या है यहाँ आने का? हाँ यहाँ से क्या है सर के अभी क्या है, अभी जो टूरिस्ट चलता है ना हमारा, हाँ दिवाली की छुट्टियों में। हाँ जी, दिवाली की छुट्टियों के बाद दिसंबर में चलता है। हाँ जी, दिसंबर का टूरिस्ट खत्म होते ही फॉरनर चालू हो जाता है। अच्छा, तो फॉरनर्स कब तक आते हैं? फॉरनर चलते हैं यहाँ पे जैसे जनवरी है, फरवरी पूरा फॉरनर चलता है। अच्छा, मार्च के अंदर थोड़ा थोड़ा कम पड़ जाता है। तो फिर इंडियंस आने स्टार्ट होते हैं मार्च? नहीं, फिर मार्च में क्या है कि फिर गर्मी की छुट्टियों में छुटकर चलता है। गर्मी में, गर्मी ज़्यादा पड़ती होगी। हाँ, अभी ये 2-3 दिन से धूप तेज़ हो गई है। तेज़ हो गई है। हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में बहुत ठंड है। दिल्ली में अभी यहाँ पे सुबह शाम की ठंड गई है। हाँ जी, बाकी सर्दी तक यहाँ भी अच्छी पड़ी थी सर। हाँ जी, हमारे यहाँ से क्या सर अहमदाबाद ज़्यादा दूर नहीं है, 250 किलोमीटर ही है। इंदौर, अहमदाबाद, इंदौर कह रहे हो? नहीं नहीं अहमदाबाद। अहमदाबाद तो पास है यहाँ। तो क्या करते हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा, गुजराती लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। गुजराती बहुत आते हैं ना। और आपको मैं बताऊँ, यहाँ से गुजरात का बॉर्डर लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, और अहमदाबाद 260 किलोमीटर, और गुजराती वीकेंड रवाना होते हैं 4.5 घंटे में आ जाते हैं। ठीक है, और वो पूरे साल आते रहते हैं? हाँ वो तो चलते ही रहते हैं, अभी शनिवार संडे फिक्स है। अच्छा, शनिवार संडे ट्रैफिक आता है। हाँ, तो आप कोशिश करें जब भी आप आ रहे हैं पहले से बुकिंग करवा के रखें। सैटरडे संडे को भाई थोड़ा महंगा हो जाता है उदयपुर, हमने भी फ्लाइट की जो टिकट
दिल्ली से आने की करवाई है ट्यूसडे की, और वापस जाने की हमने सैटरडे की करवाई है। हम संडे की करवा रहे थे, लेकिन संडे की टिकट हमें मिल रही थी वापसी की 8,000 रुपये की, और सैटरडे की हमें मिली है 3200 रुपये की। तो आप कोशिश करें वीकडेज में आएँ और वीकडेज में यहाँ से जाएँ, और आपको थोड़ा क्राउड कम मिलेगा, थोड़ा बजट आपका ठीक रहेगा उसमें। ये कह रहा हूँ श्वेता। और ये सब जो प्लानिंग है, जो बुकिंग है, सब श्वेता ने की है। श्वेता ने सब डिसाइड किया था। श्वेता ने कहा था एक दो दिन और बढ़ा लो, लेकिन हमने कोशिश की उसको बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया संडे को टिकट बहुत महंगी मिल रही थी, इसलिए हमने उसको सैटरडे को ही हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राइट राइट। अब नेक्स्ट ट्रिप श्वेता बताएगी कहाँ जाना है। लास्ट अमृतसर भी श्वेता ने बताया, जयपुर, सब अमृतसर है। हाँ जी, सब हम अमराई रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं। सिराज अहमद जी ने हमें यहाँ पहुँचाया है, थैंक यू सो मच भैया। हम एंटर कर रहे हैं अमराई रेस्टोरेंट में। हमें लग रहा था उदयपुर में थोड़ी सी ठंड होगी, बहुत गर्मी है। हम थोड़े बहुत स्वेटर भी ले आए हैं, श्वेता ने तो जैकेट्स भी रख ली थी, बहुत मुश्किल से निकलवाई हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ अमराई रेस्टोरेंट का व्यू जो लेक पिचोला पे है। अब आप रेडी हो जाओ और अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट। ये देखो कितना मेस्मराइजिंग व्यू है, ये बिल्कुल लेक साइड, बहुत पीसफुल एंड काम। वाओ, व्हाट अ व्यू। सी, एंजॉयिंग। नाउ मीट भरत। व्हाट एन अमेजिंग व्यू गाइस, रियली जबरदस्त व्यू है। और ये हमारा मेन्यू आ गया है, तो हम कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ खाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने ये व्यू, और हमने बिल्कुल लेक साइड टेबल लिया है ताकि हम इस व्यू को एंजॉय कर सकें, फील कर सकें, और आपको भी एंजॉय करवा सकें अपने साथ। हमने ऑर्डर करा है चिकन टिक्का, ये आप देख सकते हैं चिकन टिक्का आ गया है गर्मा गर्म। और हमने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको लेस स्पाइसी रखिएगा, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि राजस्थान में फूड थोड़ा स्पाइसी होता है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये कैसा लगा। चलो, ये लेते हैं ये। टेस्ट मुझे सही लगा, सॉफ्ट है, प्रॉपरली कुक्ड है, रोस्टेड, और चटनी का टेस्ट भी सही है। चटनी भी लेस स्पाइसी है, उन्होंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखी है। तो ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, एक बार और ट्राई करती हूँ। अब मैं विदाउट सॉस करती हूँ। नो डाउट इट्स टेस्टी। तुमने इतना टेस्टी बोल दिया है और करा, तो मैंने कहा यार हम भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। लाओ सर, हम भी ट्राई करवाओ। ये लो। इसके बाद आपने क्या ऑर्डर किया? इसके बाद हमने ऑर्डर करा है पनीर लबाबदार और लच्छा पराठा। बोटिंग हो रही है, ये बोटिंग अभी यहाँ अवेलेबल है गेस्ट के लिए जो यहाँ स्टे कर रहे हैं, और एडवांस बुकिंग करानी होती है, 600 पर पर्सन है। ताज पैलेस। अब ऑर्डर आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आया है पनीर लबाबदार, और ये है लच्छा पराठा विद सैलड, अनियन, ग्रीन चिली एंड लेमन। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें है कैप्सिकम, रेड बेल पेपर और पनीर विद प्रॉपर ग्रेवी, और देखते हैं अब इसमें से स्पाइसी है या नहीं है। और लच्छा पराठा मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों ऑर्डर करा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम अमृतसर गए थे तब मैंने कंफर्म किया था कि जो नान होते हैं वो मैदा के बनते हैं, लेकिन जो ये पराठा होता है वो वीट फ्लावर का बनता है, गेहूं के आटे का। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं कि बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो गेहूं खा लें, मैदा कम से कम खाएं। ठीक है, तो जहां पे तंदूरी रोटी, जो मतलब जहां पे तवा रोटी अवेलेबल नहीं होती, वहां पे हम लच्छा पराठा ऑर्डर कर लेते हैं। चलो अब करते हैं ट्राई और देखते हैं टेस्ट कैसा है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने पनीर
सब्जी में मिलाने से पहले भी कुक करा है, और जैसे हमने रिक्वेस्ट किया था ये स्पाइसी नहीं है, बट स्टिल इट्स टेस्टी, और सारे जो स्पाइसेस हैं उनका फ्लेवर अच्छा आ रहा है। अब ये फिनिश करके हम चलते हैं आगे। एलिफेंट के साथ हम खड़े हैं, वी लव एलिफेंट्स। अगर आपने हमारी आगरा की वीडियोस में SOS वाइल्ड लाइफ की वीडियो नहीं देखी है तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। उस वीडियो में है एलिफेंट्स के लिए एक कैंपेन है, रिफ्यूज़ टू राइड, लाइक जो हम जो जॉय राइड लेते हैं उसको रिफ्यूज़ करें, एनिमल्स को एक्सप्लॉइट ना करें, वो सारा हमने वहाँ दिखाया हुआ है। जिनके जो एनिमल्स की एलिफेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है उनको अब वो कैसे रिहैबिलिटेट कर रहे हैं वो सारा आप उस वीडियो में देख सकते हैं, वो ज़रूर देखें, मिस ना करें। और यस, शेयर भी ज़रूर करें, ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, स्प्रेड करें, क्योंकि हमें बच्चों को भी, आगे जो जनरेशन आ रही है उसको भी बताना है कि हमें एनिमल्स के ऊपर जॉय राइड नहीं लेनी है। SOS आप वाइल्ड लाइफ हमारी वीडियो देखना तो आप सब कुछ समझ जाओगे 10 मिनट के अंदर। SOS का मतलब है सेव आर सोल्स, ठीक है, तो हमें इस एक्सप्लॉयटेशन को एंकरेजमेंट नहीं देना है, हमें इसे रिफ्यूज करना है, ठीक है। चलते हैं, एलिफेंट को देख के हमें वो इमोशंस याद आ गए, तो हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलना। अब हम अमराई रेस्टोरेंट से जा रहे हैं, मांझी राज का घाट, और ये यहाँ से सिर्फ मुझे लग रहा है 100 मीटर के आसपास है। छोटी छोटी सी गलियाँ हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हैं, श्रोता हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की वाइब्स है ना, वो बहुत पॉजिटिव है जो आपको बहुत काम और पीसफुल बनाती है, तो अच्छा लग रहा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है और टूरिस्ट प्लेस है। वैसे हमने सुना ही था कि उदयपुर बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, तो वो हम आज फर्स्ट डे ही ये फील कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम किसी भी डेस्टिनेशन पर जाते हैं एक दिन तो हमें समझने में लग जाता है कि हमें करना क्या है, लेकिन यहाँ आके कुछ समझना नहीं पड़ रहा, लोगों ने हमें, हमने जिससे भी पूछा उसने एक मिनट में बता दिया कि भाई साहब आप ये कर लो वो कर लो, वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, बस हम वहीं उनके हिसाब से चल रहे हैं और ट्रिप सही चल रहा है, टूर सही चल रहा है। और आपको हमारे साथ चलना है तो अब हम देखते हैं घाट। ये देखो तो हम घाट पर जा रहे हैं, रास्ता बनाया हुआ है वहाँ जाने का, पुल बनाया हुआ है बिल्कुल लोहे का, यहाँ लोग बहुत सेल्फीज फ़ोटोज़ खींचने आते हैं और हम आए हैं वीडियो बनाने। हिंदुस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हुए हैं। ये घाट है, यहाँ इस घाट पर लोग नहाते भी हैं, उन्होंने बताया क्योंकि यहाँ टेंपल है सामने, तो यहाँ स्टेयर्स भी हैं, इस सामने आप देख सकते हैं सामने स्टेयर्स हैं, तो वहाँ रोज़ मॉर्निंग में लोग आते हैं यहाँ नहाते हैं और इन्जॉय करते हैं अपने ट्रिप को उदयपुर के। क्रिस चौबे जो हमारे हमें मिले हैं यहाँ उदयपुर में, और ये आते रहते हो, फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम ही आए हो। क्या करते हो? पढ़ रहा हूँ। कौन सी क्लास में? एट्थ में। ठीक है, मार्क्स वार्क्स ठीक आते हैं? ठीक है, सही में ठीक आते हैं वैसे ही? ठीक है। सब हम आए हैं हाथीपोल मार्केट, तो यहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे राजस्थान में बांदरी स्टफ पॉपुलर होता है, तो देखते हैं मार्केट में क्या है। चलो देखो ये कितना पॉपुलर है, ये सारी ब्लॉक पेंटिंग है। अच्छा, ये सारे ब्लॉक प्रिंट है और ये हैं इधर बांदनी के, ये आप देखो वेल डिस्प्लेड। 480 वाला कौन सा है? 480 वाले ये आएंगे आपको। अच्छा, ये 480 है, ये 680 है। अच्छा, ये 680 है, ये 680 है, ये 980 वाले हैं, ये सारे 980 वाले हैं। ओके, और 5000 वाला कौन सा? ये वाले सारे ये 5000 की रेंज में है। सारा पहले सिल्क वर्क हुआ हुआ है, फिर डाई हुआ हुआ है और फिर बांधनी वर्क हुआ हुआ है, तो काफ़ी लेबर लगी हुई है और इसका जो स्टफ़ है वो सिल्क है, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। स्कर्ट्स, लहंगा, ये बच्चों का जयपुरी स्टाइल, वाओ। अब हम चलते हैं कॉटन पैलेस में, ये भैया थक के चाय पी रहे हैं।
ये सारी साड़ीज हैं, 450 से 4000 तक की रेंज अवेलेबल है यहाँ पर। ये रनिंग फैब्रिक है, आप देख सकते हो काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है। ये कितने रुपए मीटर है? 100 रुपए मीटर है। कोई सा भी? ये 100 रुपए मीटर है, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ 130 रुपीज़ पर मीटर है, बाकी सारे ये 100 रुपीज़ मीटर है। आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आए, प्रिंट पसंद आए, आप इसमें से ले सकते हो और कितना भी मीटर ले सकते हो। देखो पूरा नीचे तक पड़ा हुआ है। ये टॉप शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, किसी भी सीज़न में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो इसमें आप ले सकते हो। एसी में लेना है तो एसी में ले सकते हो। इसमें आपको सिंगल बेड, डबल बेड अवेलेबल है। अच्छा, ये ट्रैवलिंग वगैरह में हिसाब से भी आप यूज़ ले सकते हो, जैसे सफ़र वगैरह में ये घर के लिए स्मॉल रोल हो जाता है ये वाला। अच्छा भैया बता रहे हैं कि ट्रैवलिंग के लिए भी ले सकते हो और सिंगल ले जा सकते हो कहीं भी आप, बल्कि नहीं है। ठीक है, डबल बेड और सिंगल बेड दोनों के लिए अवेलेबल है। ये बेड कवर है, ये किस रेंज में? के हिसाब से काम में ले सकते हो, बेड कवर के हिसाब से भी काम में ले सकते हो। अच्छा, जब ऐसे आप पूरा सेटिस्फाई हो जाओ, कब हम इससे बोर हो चुके हैं, इसको फ्रेमिंग भी करा सकते हो। राइट राइट, भैया बता रहे हैं कि आप इसको एज अ क्विल्ट भी ले सकते हो, एज अ बेड कवर भी ले सकते हो, और अगर आप इससे बोर हो जाओ तो इसको एक वॉल पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। ये उसका भी बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि प्रिंट बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्राइक्लिंग नहीं, होम वॉश का आइटम है। रफ एंड टफ यूज कीजिए, एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी आपको इसके लिए, ये ना करे वो ना करे, कोल्ड वाटर, होम वाटर, मशीन वॉश, जैसे चाहे वैसे वॉश कर सकते। ठीक है, ये रफ एंड टफ यूज के लिए है, कोई स्पेशल केयर नहीं है। सारी अपने आप बेडशीट्स आती है सारी? अच्छा, ये सारी बेडशीट्स हैं, सारी ब्लॉक प्रिंट है ये वाली, कॉटन आता है। आप कोई अपनी स्पेशलिटी ब्लॉक प्रिंट में दिखाओ। ब्लॉक प्रिंट में अपने यहाँ स्पेशल, ये वाला ये आएगी अपने पास, ब्लॉक प्रिंट आती है सारी 100% ब्लॉक। इसके अंदर स्क्रीन प्रिंट्स भी आती है, जैसा कि मैं आपको बताऊँ ये ओरिजिनल ब्लॉक प्रिंट है ये वाला। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ब्लॉक प्रिंटिंग में। ये किस रेंज में है? ये आपको पड़ता है, अपना होलसेल का काम है, 1953 650। अच्छा, जस्ट एम्पोरियम में इसी का एक का दो भाव है, अपने सब चीज़ एक्सक्लूसिव है एम्पोरियम मार्केट से, आधी रेट। अच्छा, सब कस्टमर को साथ में देखते हुए मिडिल क्लास हर तरह की अपने पास स्टार्टिंग आती है 1000 की 3 बेड अलग अलग। ये देखो आप, वाओ, मैं ये स्टफ़ को टच कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये फैब्रिक भी बहुत अच्छा फैब्रिक है, और प्रिंट आप देख सकते हो, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। स्मॉल साइज एलिफेंट है, हाँ, ये वाला। इसके अंदर आपको यार राजस्थान का फेमस डांस है, डांसिंग लेडी एंड डांसिंग बॉय। ओके, इस वाली बेडशीट में डांसिंग लेडी और डांसिंग बॉय, गरबा इसमें है। हाँ, जैसे आप उनको बोलते हैं ठेठालाल। ये देखो आप, अच्छा अच्छा, जेठालाल। इसके अंदर आपको सेंटर में पीकॉक है, इस तरह से और आपको डिजाइन्स वगैरह मिलते हैं। इसमें देखो आप, सेंटर में पीकॉक है, तो काफ़ी डिजाइन्स अवेलेबल है, नो डाउट। ये सब आपको फॉरेन कंट्री के बेड के ऊपर भी आ जाती है, मतलब बिग साइज। अच्छा, सुपर किंग साइज। अच्छा, कई बार 12 इंच के 13 इंच के जो डलप के घंटे होते हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम होती है फोल्ड नहीं होता, ये सारी चीज़ बोलते प्रॉब्लम। अच्छा भैया बता रहे हैं कि साइज भी फुल साइज है, किंग साइज है, तो चाहे आपको ऑल 4 साइड से उसको टग इन करना है तो आप इसको कर सकते हो इजीली। ये इंडिगो। अच्छा, ये इंडिगो में है। इंडिगो, ठीक है, इंडिगो बेडशीट, सारा वेजिटेबल नहीं के कलर। अच्छा, केमिकल यूज नहीं। ऐसी बेडशीट तो मैंने जयपुर से ली थी, अभी हम जयपुर होके आए थे तो हमने वहाँ से ली थी। अच्छा, ये थ्रेड्स का थोड़ा फुलकारी टाइप। हाँ, डांसिंग लेडी, डांसिंग बॉय, गांव के सीन को सर। अच्छा अच्छा, ये बात सही है। तो गाइस, अब हम आए हैं खम्मा घनी रेस्टोरेंट में खाना खाने। हम चले गए थे होटल, फ्रेश व्रेश हुए, नाव आ गए, कपड़े वपड़े बदल के तैयार शैयार हो गए, हमने कहा डिनर करेंगे खम्मा घनी में। मुझे अपने सूत्रों से पता चला कि खम्मा घनी रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है खाना खाने के लिए। अब आपके कौन से सूत्र हैं? गूगल, गूगल से पता चला मुझे भाई, गूगल मेरा सूत्र है। गूगल से मुझे पता चलता है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ वेटिंग चल रही है, सुनने में आई हमेशा वेटिंग ही रहती है, तो जहाँ वेटिंग हो तो समझ लो कि जो चीज़ डिमांड में है इसका मतलब वो अच्छी है। ये डिमांड में है, ये अच्छी है, हम आपको भी खा के दिखाएंगे। ठीक है श्वेता, और एंजॉय कर रहे हो आप राजस्थान? yes. उदयपुर, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, हाउ इज इट गोइंग? इट्स गोइंग प्रीटी वेल। प्रीटी वेल, ओके। लंच हो रहा है लेक किनारे, डिनर हो रहा है लेक किनारे, भाई साहब देख लो। जब हम सिटी ऑफ लेक्स में आए तो यही तो एंजॉयमेंट है। ये तो है ही, हर लेक तो इधर उधर, जहाँ भी जाओ आप लेक्स ही लेक्स हैं यहाँ पर।
और बहुत ही एटमॉस्फेयर बहुत मतलब प्लेजेंट है, बहुत बढ़िया है, खूबसूरत खुशबू है यहाँ के वातावरण में, क्यों? राइट, चलो जी वातावरण को और खुशबूदार बनाया जाए इसमें घुल के, चलो। तो हमारे साथ हैं भवर, इनका नाम है भवर जी सर, ये हमें बताएंगे हमें क्या खाना चाहिए, यहाँ की स्पेशल डिशेस क्या हैं। सर स्पेशल में आप नॉन वेज में अगर स्टार्टर ले रहे हैं तो चिकन बंजारा टिक्का लीजिए, और वेजिटेरियन स्टार्टर ले रहे हैं तो सोया चाप है, दही कबाब है। अच्छा। दही के शोले हैं। अच्छा। यहाँ की स्पेशल दही के शोले, दही के शोले भाई ये तो ट्राई करूँगा, दही के शोले तो ट्राई करने पड़ेंगे, स्पेशल डिश है यहाँ की। उसके बाद में मेन कोर्स में आप अगर वेजिटेरियन में ले रहे हैं तो लहसुनी पालक है, पनीर लबाबदार है, और नॉनवेज में लाल मांस बेस्ट है यहाँ का, मेवाड़ी मांस ढूंगार है, ये चीज़ें आप ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया। चलो हम कोशिश करते हैं। और डेजर्ट में आप लेना चाहे तो कुल्लड़ रबड़ी है यहाँ की स्पेशल, कुल्लड़ रबड़ी, कुल्लड़ रबड़ी, एक तो शोले ट्राई करना है और कुल्लड़ रबड़ी तो भैया ट्राई करनी करनी है, नाम में ही एक मिठास ही है। जी बिल्कुल, आप एक बार शोले भी हो गए, फिर शोलों को ठंडा करने के लिए ऊपर से ठंडा डालने के लिए रबड़ी, ठीक है जी। हमें स्पेस मिल गया है और वो भी हमें बेस्ट व्यू मिला है, आप पीछे देख सकते हो हमारे लेक पिचोला, और हमें यहाँ पे टेबल्स भी हैं और ऐसे नीचे बेड्स भी हैं, तो हमें यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट करा था कि ये मिल जाए तो यही मिल गया। देखो हम कितने आराम से बैठे हैं, डिनर ऑर्डर कर दिया है, अभी वो आएगा और फिर हम करेंगे डिनर। बहुत सही है, मज़ा आ रहा है। हमने ऑर्डर किया है, हमने ऑर्डर करा है एक वेज मांचो सूप और दही शोले, दही के शोले हाँ, और हमने मेन कोर्स में करा है दाल मखनी विद तंदूरी रोटी विद नो बटर, ठीक है, क्योंकि हमने अमृतसर में बहुत बटर खाया था, आपने देखा ही होगा, ठीक है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी अमृतसर की तो अभी जाके देखो इससे पहले कि हमारा फूड आ जाए, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का एम्बियंस, देखो कितना अच्छा है, काफ़ी वेटिंग होती है यहाँ पे। और ये पीछे का व्यू बहुत अमेजिंग व्यू है, मज़ा आ गया, ज़रूर कुछ स्पेशल है उदयपुर में, नो डाउट। पापड़ आए हैं हमारे, दही के शोले, दही के शोले, ब्रेड के अंदर दही की फिलिंग है। अभी हमने खाए दही के शोले, दही के शोले टेस्टी थे, मैं आपको बताती हूँ एक्चुअल में क्या है। दही में प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, ठीक है, ये इनको काट के मिक्स करके अच्छे से बैटर बना के ब्रेड में फिल करा हुआ है और उसको डीप फ्राई करा हुआ है, जो कि उसका टेस्ट सही था, बच्चे भी खा सकते हैं, वेज प्लेटर्स वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा स्टार्टर है, तो अच्छा लगा। ये आ गया है सूप, मांचो सूप, दाल मखनी और रोटी आ गई है, अब हम करते हैं डिनर। आज का दिन हम एंड कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड कर रहे हैं यहाँ पर कुल्लड़ रबड़ी के साथ, और फिर आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।